दो दिन पूर्व संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर आज बुधवार को पटना में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए उनका पुतला दहन किया। भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान को पूरे हिंदू समाज से जुड़ा हुआ मामला बताया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने हिंसक शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए किया है, लेकिन भाजपा इस शब्द को पूरे हिंदू समाज और सनातन धर्म से जोड़कर देख रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी का यह बयान देश विरोधी है और उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए, साथ ही उन्हें देश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। देख सकते हैं कि पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के विरोध में उन्होंने जो सदन में बयान दिया था जो सनातन और हिंदू धर्म के विरुद्ध, उस पर इन्होंने यहाँ मार्च निकाला है और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पुतला के साथ यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा हैं और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने यहाँ सदन में सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विरुद्ध अपना टिप्पणी किया है, इसको लेकर के ये लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि राहुल गांधी का पुतला दहन का काम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और यहाँ ये लोग राहुल गांधी जो संसद में टिप्पणी किया था सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, उसके विरोध में यहाँ पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर राहुल गांधी का पुतला दहन का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता हैं और यहाँ उग्र रूप अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये काम करने का कोशिश किया है और राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि या तो राहुल गांधी माफ़ी मांगे या देश छोड़कर बाहर जाए। बताइए क्या कर रहे हैं? ये राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं पर गलत टिप्पणी की गई, इसके विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन का आयोजन किया है। ये हम लोग इस एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका हम लोग का है, धरना करिए। हम विरोध प्रदर्शन करने हम लोग यहाँ पे आए हैं और राहुल ने पुतला दहन किए हैं। क्या किया था राहुल गांधी? उन्होंने हिंदू धर्म को सब शर्मसार किया है, पूरे हिंदू पर ही को हिंसक बताया है। अगर हिंदू है तभी भारत है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, उस चीज़ के लिए माफ़ी राहुल गांधी माफ़ी मांगे। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है सदन में। प्रधानमंत्री जी को कौन रोक सकता है बोलने? प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री है, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री है, मजबूत देश के प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरा विश्व आज उनके देखता है और पूरा बहुत सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी के पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो वो मोदी जी है जो देश के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए वो तत्पर है। और देश में ऐसे नेता को वो कभी मोदी जी पनपने नहीं देंगे और हिंदू समाज ऐसे नेताओं को पनपने नहीं देगा। पुतला दहन हमने किया कि राहुल गांधी ने जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो सदन है जहाँ पे देश के नेता बैठते हैं, देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहाँ पे लोक जन आस्था के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, जितने भी हिंदू हैं सभी हिंसक हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। राहुल गांधी को इस बात से उनको वापस लेना चाहिए और देश के हिंदुओं से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये तो देश के हिंदू उनको सबक सिखाएगा। सीमांत शेखर, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा। कि सर क्या मामला है जरा आप बताएंगे हमारे? राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से हमेशा हिंदुओं पर आघात किया है, अपने भाषा को मर्यादा को पार करते हुए उन्होंने हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखाने
का इस देश में काम किया है, इस देश की हिंदू राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। आज राहुल गांधी का हम लोग पुतला फूकने जा रहे हैं। जिस तरीके से सदन में एक मंदिर में बैठकर उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, उन्हें कहा कि जो भी अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो सभी लोग हिंसक है, इस चीज को हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना राहुल गांधी को इस देश से निकालने का हम लोग काम करेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं कि राहुल गांधी को देश से बाहर निकालने की ये लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पटना के सड़कों पर ये इनकम टैक्स गोलंबर पर सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने ये कदम उठाया है और राहुल गांधी को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और उन्हें माफी मांगने की भी बात कर रहे हैं। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2 केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दे। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर है 06452242601 और 06452242700।